लोकसभा आज द्वितीय कार्य दिवस भारत चीन सीमा विवाद उपर पक्ष रखुचंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधा प्रसारण देखुचंती आपण का बायलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लैरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी कमिटेड हुए थे। इसके आधार पर 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई। इसके कारण कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप है। इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस ऑफ आज की स्थिति का समाधान निकालती हैं, जिससे कि शांति कायम हो। इससे पहले कि मैं सदन को वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का एक इलेबोरेट और टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, जिसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और तीनों हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगातार कोऑर्डिनेटेड तरीके से इकट्ठा किया जाता है तथा आर्म फोर्सेस से उनके डिसीजन मेकिंग के लिए भी शेयर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को इस साल की उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी। इसी बीच मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंग काला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया गया कि यह प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमत बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के द्वारा डिसएंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले, किंतु इस सहमत के वायलेशन में चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है। अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अध्यक्ष महोदय यह अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेर जवानों की वीरता एवं बहादुर उनके बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। एक ओर
किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी सेंसिटिविटी भी आवश्यक है। क्योंकि हम मौजूदा स्थिति का डायलॉग के जरिए समाधान चाहते हैं और हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में तीन की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को तय करते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन होना चाहिए। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए, वह भी यही कहते हैं। जबकि यह डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा टाइमली और फॉर्मल एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से यह स्पष्ट है, चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड पूरी तरह से दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का यह उल्लंघन है। एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है और इसे 1993 एवं 1996 के समझौते में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार भी किया गया है। जबकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती है, चाइनीज साइड की ओर से ऐसा नहीं हुआ है। उनकी कार्रवाई के कारण एलएसी के आसपास समय समय पर फेस ऑफ्स और फ्रिक्शंस भी पैदा हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, इन समझौतों में फेस ऑफ्स की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोसीजर्स और नॉर्म्स भी निर्धारित हैं। तथापि इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंगकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको अपनी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर गौरव है। अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होती है।